मध्य प्रदेश छतरपुर शहर से 55 किलोमीटर दूर हरपालपुर थाना अंतर्गत सारसेठ गांव में 500 वर्ष प्राचीन शिव मंदिर में शिवरात्रि पर्व पर उमड़ा जन सैलाब। हरपालपुर के ग्राम सारसेठ में 500 वर्ष पुराना प्राचीन शिव मंदिर का एक अलग ही इतिहास है। बताया जाता है कि इस मंदिर की खोज नागा बाबाओं ने की थी, इस वजह से इस मंदिर को नागा संविदा भी कहा जाता है। यहाँ पर नाग बाबाओं की पहली राजधानी भी हुआ करती थी। इस चमत्कारी मंदिर की गुफा के अंदर जो शिवलिंग है वह हर वर्ष शिवरात्रि को चावल के आकार में बढ़ती है, साथ में चट्टान भी ऊपर की ओर बढ़ जाती है। इसे श्रद्धालु शिव महिमा का चमत्कार मानते हैं। यह चमत्कारी गुफा गोरखनाथ जी की बताई जाती है, लेकिन अभी तक पूरी गुफा किसी ने नहीं देखी। यहाँ पर हर वर्ष महाशिवरात्रि में मेला भी लगता है, जिसमें हजारों की तादाद में शिव भक्त आते हैं। हरपालपुर से रवि विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आंटी आपका नाम? संपत देवी शर्मा। आप कितने दिन से मंदिर आ रही हैं? 40 साल से। ये मंदिर की क्या विशेषता है? ये मंदिर की विशेषता है भोलेनाथ पहाड़ से स्वयं प्रकट हुए। पंडित जी आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र गुरु है। पंडित जी ये मंदिर कितने साल पुराना है? ये मंदिर तो बहुत पुराना है। हमारे पूर्वजों ने बताया कि ये मंदिर कम से कम 400-500 साल पुराना है। और यहाँ की विशेषता क्या है कि पहले तो यहाँ की चट्टान आप देख रहे हैं सामने जो रखी हुई है, पहले शिवलिंग भी छोटी थी। अब वो धीरे धीरे क्या होगा, पहले 20 फुट का बांस पड़ा रहता था जिसमें भक्त लोग अपना प्रयास करते थे जल चढ़ाने का, लेकिन लोटा वो अटक जाता था। भगवान भोलेनाथ ने सोचा होगा कि हमारे भक्त जो है जल चढ़ाना चाहते हैं, तो उन्होंने यहाँ की कहावत है कि हर शिवरात्रि को एक एक करोड़ चट्टान ऊपर उठता है। पंडित जी ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का कोई नागा साधुओं से के... जी जी जी, ये पहले नागाओं की राजधानी रही सबसे, और नागाओं का ये स्थान है प्राचीन समय का, और जूनागढ़ अखाड़े से इसका संबंध है नागाओं। नाम पूछिए। दादा आपका नाम क्या है? हाँ जग्गू नाम है। कहाँ से आए हैं आप? करपारिया से। करपारिया से यहाँ आप शिवरात्रि पे आते हैं कि हमेशा आते हैं? हमेशा आते रहते हैं। इस यहाँ पे जो मंदिर है भगवान शंकर का, इसका कोई प्राचीन इतिहास है? इतिहास तो हम अनपढ़ हैं बाबू, आपका लिखा नहीं जी। मंदिर की किस कारण से प्रसिद्ध है जी मंदिर? जी इनके शंकर जी के उससे नाम से प्रसिद्ध है जी। ये पिंडी अपने आप अब हुई थी के स्थापना की? अपने आप हुई बाबू जी। अच्छा हाँ, ये तो हमने देख लिया है बाबू कि जब हमने लेट के पैगम्मा नहीं लगा पाया है, ये लेट के हमने पैगम्मा लगा तो नहीं लगा पाया। अब हम पहले छोटे थे, हमारा हाथ जाने लगा, फिर ऐसे सुकड़ मुकड़ गई, अपने सही तोड़ करेगी फिर निकलने लगी, फिर वो भगवान की कृपा ऐसी अब बैठ के निकलने लगे हम पाई के निकल। अभी इतना तो हमने देख लिया। ऐसी मान्यता है यहाँ पे, मान्यता तो बहुत हर शिवरात्रि पे एक चावल के बराबर शिवलिंग का आकार बढ़ता है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल, बड़े हैं यहाँ बिल्कुल भरपूर, हमारा लोगों का भंडार रहता है। सर यहाँ एक मेले का आयोजन किया गया है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? जहाँ तक मेरी जानकारी है ये काफ़ी प्राचीन जो मंदिर है, और यहाँ पे काफ़ी बहुत पुराने समय से ये मेला स्थानीय स्तर पर आयोजित होता रहा है। यहाँ पे आसपास के गांव के काफ़ी ग्रामीण लोग आके अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार दर्शन करते हैं, अपना पुण्य लाभ देते हैं। यहाँ व्यवस्था के क्या प्रोग्राम है? व्यवस्थाएं पंचायत द्वारा आयोजित की जाती हैं, उनकी देखरेख के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। पंडित जी ये मंदिर जो है कितने साल पुराना है? लगभग 500 वर्ष पुराना है। आप देखते हैं क्या ये मंदिर की संपदा जो है जो नागाओं की संपदा से कुछ संबंध रखती है? क्या यहाँ पे जो शंकर जी की प्रतिमा है हर साल एक चावल बढ़ती है, और जो आपके यहाँ के ये चट्टान है वो भी क्या बढ़ती है? उसके साथ वो बढ़ती है। पंडित जी इस बारे में और आप क्या कहना चाहते हैं, और कुछ शंकर जी की प्रतिमा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सिद्ध शिवलिंग है, यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनको मनोवांछित फल प्राप्त होता है।